हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप कब से ठीक हो। तो गाइस, हम लोग ठीक है और मैं बाहर गई हुई थी जैसे कि देख सकते हैं, और घर आई हूँ। तो मुझे आप सबसे कुछ बातें बोलना है, आप सभी से बोलना है, सोशल मीडिया थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू बोलो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, हर किसी को कुछ बोलना है जो कि मेरा खुद का लाइफ में जो अब चल रहा है, तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आज बोल ही देती हूँ क्योंकि मैं भी तंग आ गई हूँ अभी सबसे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सो गाइस, तो जैसे कि सोशल मीडिया, सबसे पहले इंस्टाग्राम की बात है, सोशल मीडिया थ्रू जो कि मेरा अब चल रहा है। जैसे कि इंस्टाग्राम में मेरा एक आईडी है, ठीक है, एक आईडी है। तो बहुत ही ऐसे यूजर्स हैं जो कि मेरा अपना नाम, मेरा जैसे जो नाम है मेरा मनीषा शाह पुणे, जो कि मेरा फेसबुक सॉरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि वही सेम यूजर आईडी बना के लोगों को मेरा जो फ्रेंड फॉलोइंग है, मतलब मैं जिसको जिसको फॉलो करके रखी हूँ, अपना फैमिली मेम्बर्स हो या फिर अपना फ्रेंड दोस्ती यारी, तो जो यूजर है जो यूजर आईडी बना के रखे हैं वो सभी मेरा फ्रेंड लोग को फॉलो करके रखी हुई है, रखा हुआ है, जो कुछ भी हो, जो भी है वो रखा हुआ है, रखी हुई जो भी है। तो कुछ कुछ है, एक नहीं बहुत ऐसा आता है। तो मैं इसमें सब यही सब बोलना चाह रही हूँ कि वीडियो मेरा डालो, आप लोग डालते हो, आप सभी को नहीं बोल रही, जो जो डालते हो उनको बोल रही हूँ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो पोस्ट करते हो उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा नाम का ही सेम सेम मैं जो प्रोफाइल में जो फोटो डाली हूँ मैं, वही फोटो डाल रहे हो, जो जैसे मेरा प्रोफाइल है, जैसे मेरा वीडियो डालते हो, जो फोटो में पोस्ट करते हो, सब वो सब लेकर डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार, मेरा नाम से यूजर आईडी क्यों बना रहे हो, मेरा फ्रेंड को क्यों फॉलो कर रहे हो जो कि रियल आईडी लगे। तो गाइस, अगर आप सबको कहीं भी फेक आईडी यूजर नेम का लिखा मेरा नाम, तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करिए। मेरा बस एक ही आईडी है जो कि मैं बताई, मनीषा वाला आईडी, मेरा बस एक ही आईडी जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, जो कि अभी 2 लाख कितना है, 2,65,000 आसपास है। तो मैं बोलना चाह रही थी कि वही मेरा एक जो है, मतलब जो मैं आईडी यूज़ कर रही हूँ वही मेरा एक आईडी है, क्योंकि मैं खुद अपना एक आईडी को मैं खुद से टाइम दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वही आईडी को मैं चलाती हूँ, मैं उसे ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाती हूँ। जब होता है तो मैं उसमें वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है। अब वही जगह में कोई और मेरा आईडी यूज़ कर रहा है, यूजर आईडी बना के मेरा नाम से, मेरा प्रोफाइल से बना के मेरा फ्रेंड लोग से बात कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, आज तो कुछ उल्टा सीधा बोला नहीं, लेकिन ऑल उन लोगों को फॉलो किया, उन लोग से मैसेज वगैरह सब कर रहा है। मेरा फैमिली जो कि मुझे कल को अगर ये ना बोले, अगर मुझे पता चला तो ठीक नहीं होगा, बता देती हूँ। अगर जो कोई भी आप मेरा यूजर फेक आईडी बना रहे हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो कोई भी मेरा यूजर आईडी बना रहे हो, तो रिक्वेस्ट है कि मत बनाइए मेरा यूजर आईडी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरा वीडियो जल्द से जल्द शेयर करिए। लेकिन आप लोग जो फेक यूजर बना रहे हो ये बिल्कुल नहीं करिए, खास करके मुझे इंस्टाग्राम जो मैं रील्स बनाती हूँ, रील्स बहुत नीचे कमेंट आता है, कमेंट में मुझे बोलते हैं कि दीदी आपका कितना आईडी है, आप ये आईडी में तो हमसे अच्छे से बात करती हो, फिर आप ये ज़्यादा फॉलोअर्स वाला आईडी में बात क्यों नहीं करती हो, आपका वो रियल आईडी है या फेक आईडी है। सभी बहुत किसी का बहुत मतलब बहुत सवाल है सबका, तो मैं कितनों को मैं रिप्लाई करूँ यार, मैं कितना सबको सही बोलूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ समझ नहीं, कितना सबको मैं रिप्लाई करती हूँ कि यही मेरा आईडी है, वो मेरा आईडी नहीं है बोल के। तो इसलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो प्लीज़, मेरा बस एक ही आईडी है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप सबको मेरा नाम का यूजर आईडी फेक दिखी या दिखाई दिया, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ वो आईडी को रिपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। खास करके मुझे वीडियो बोला ना, मुझे वीडियो फोटो डाल दिया, कोई और डाल रहा है अपना आईडी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन जो कि मेरा यूज़र आईडी बना रहे हैं मुझे उससे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि खास करके मेरा फ्रेंड फॉलोइंग को क्यों वो फॉलो कर रहे हैं, क्यों, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मुझे कल को पता चल गया कि ये अगला वाला इंसान ये बनाया है बोल के, तो मैं उसको ठीक नहीं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं पहले से वार्निंग दे रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मेरा यूजर आईडी नाम बनाइए, खास करके यूट्यूब में भी मैं देखती हूँ शॉर्ट वीडियो वगैरह, जो कुछ भी बहुत सारा ऐसे है जो कि मैं डालती हूँ, जितना पता है मेरा जितना वीडियो है, मेरा वीडियो में जितना व्यूज़ नहीं जाता है, लाइक नहीं जाता, उससे फेक यूजर लोग के पास ज़्यादा जाता है, क्योंकि मेहनत यहाँ पे हम करें भाई, मेहनत दिन रात जो कुछ भी होता है, जैसे भी होता है, मतलब हम लोग अपना एक होता है, हम लोग मेहनत मैं करती हूँ, दूसरों वही चीज़ लेके अपना आईडी में डालते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलो मेरा नाम से यूजर आईडी बना के अपना चीज़ में डालेंगे तो ऑब्वियसली किसी को भी दुख होगा यार,
मुझे जैसे दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग वैसे ना करें। और यूट्यूब का बात बोल रही थी, ठीक है, तो यूट्यूब में भी ऐसे बहुत किसी को मैं देखी हूँ जो कि बहुत बहुत मतलब इतना बुरा लगता है कि डाल देते हैं, लेकिन मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। तो यार मेरा वीडियो क्यों डाली हुई दुनिया में, और भी लोग जो और भी बनाते हैं उन लोग को अभी डाला करो ना, मेरा ही क्यों डाल। तो मैं इतना मेहनत करती हूँ, मेरा आईडी पे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मैं कितना जन को बोलते करूँ, इसलिए मैं बोलना बंद कर चुकी हूँ। तो बस रिक्वेस्ट है, बस मैं बार बार बोल रही हूँ कि बात कि मेरा यूजर आई डी बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, प्लीज़ मेरा यूजर आई डी प्लीज़ बंद कर दीजिए, नहीं तो सही में मैं किसी दिन ऐसा होगा ना कि तंग आ गई हूँ, मैं पूरे तंग आ गई हूँ, मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आता। और हाँ, यूट्यूब में भी मेरा एक फेक नाम का आईडी बना था, पर अभी कुछ दिन दिखाई नहीं दे रहा, पहले दिखाई दे रहा था, फिर इंस्टाग्राम में तो इतना सारा, इंस्टाग्राम में इतना सारा फेक बना हुआ है मेरा नाम से कि क्या बोलूँ मैं। वो लोग किसको किसको बात करते हैं, किससे किससे क्या क्या बोलते हैं क्या नहीं, और लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आप तो, और एक आईडी है आपका मनीषा वाला, वो आईडी में आप हमको मैसेज किया कर, इसका रिप्लाई किया, ये बात हो ये हो ऐसे, अब तो अपना ये वाला आईडी में बात क्यों नहीं करते। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं वीडियो डालती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे वीडियो डालना, मुझे सोशल मीडिया से जुड़े रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपना वीडियो डालती हूँ, आप लोग प्यार देते हैं इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप लोग अगर मुझे प्यार देते हैं, यहाँ तक मुझे पहुँचाएं, तो आप लोग, आप सभी को नहीं बोल रहे, उनमें से कुछ लोग हैं जो मेरा मेरे को बुरा बना क्यों बना रहे हो भाई, मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं, जब आप मुझे प्यार इतना सारा देते हो तो ऐसे प्यार बना के रखिए ना, क्यों आप बुरा भरा कर रहे हैं मैं यूजर आई डी बना के। सो गाइस, मेरी एक ही आई डी है जो कि मनीषा शाह 29, जो कि मैं अपना यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, जो कि आप लोग वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये ब्लॉग बनाऊँ या फिर मैं कुछ गलत सोच या गलत तरीके से मैं अब वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये सब दौर है, अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है। पहले एक दो आईडी आता था यूजर नेम से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि वो लोग अपना काम से काम जो कुछ भी अपना हिसाब से चलता था, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है ना, मतलब हर चीज़ अलग हो गया है, मतलब सब चीज़ में जैसे कि क्या ही बोलूँ यार, मुझे बोलने से भी मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं नहीं बोलना चाह रही थी लेकिन आज मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लास्ट में जाके बाद में इस चीज़ मुझे कहीं दिक्कत ना करे, इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं भी देखिए ये आई डी, तो प्लीज़ रिपोर्ट कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए ये आई डी, आप लोग से जो हो रहा है आप लोग कर दीजिए। और अगर आप लोग में से कोई अगर मेरा यूजर आई डी बनाए हैं, अगर देख रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूजर आई डी बनाना बंद कर दीजिए, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। सो गाइस, मेरा कहने का मतलब यही था, इसलिए मैं इसी की वजह से मैं वीडियो बनाई थी। तो ठीक है गाइस, मैं ज़्यादा किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस आप सबसे एक उम्मीद है कि मेरा इसी यूजर नेम का अगर फेक आईडी दिखे तो प्लीज़ आप सब प्लीज़ डिलीट कर दें, मैं आप सबसे बस यही विनती यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादा किसी को कुछ बोलना नहीं चाह रही। और हाँ गाइस, मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, उसका पीछे भी कुछ रीज़न है, जो कि आज मुझे मजबूरी में ये वाला ब्लॉग बनाना पड़ा, क्योंकि हद से ज़्यादा आ चुका था ये बात, इसलिए मैं बनाई। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही। तो गाइस ठीक है, मैं यहीं पे अपना जो बात था जो मैं ख़त्म करती हूँ,